सुनाता हूँ। आप सबने टाटा सुमो का नाम सुना होगा, तो बहुत लोगों को ये चीज लगती होगी कि टाटा सुमो, सुमो जो वर्ड है ये किसी जापनीज टर्म से, जापनीज से रिलेटेड है। देखा 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 आप लोगों ने, इस शरारती बच्चे ने ना कसम खाई है कि ये मुझे किसी भी वीडियो में अकेले नहीं बैठने देगा। समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। मैंने सिर्फ एक बार इसको वीडियो में लिया था। हेलो फ्रेंड्स, सिर्फ एक बार मैंने इसको वीडियो में लिया, तब से इसका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो चुका है कि ये हर वीडियो में आना चाहता है, हर वीडियो में आना चाहता है, मेरा साथ नहीं छोड़ता। अभी जब इसका ये हाल है तो मुझे लग रहा है कि जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, और तो मुझे लग रहा है ये पीछे छोड़ देगा मुझे। पीछे क्या मतलब, जितने भी यूट्यूब चैनल है सबको पीछे छोड़ देगा, है ना? देखो क्या भी रहे हैं, है ना? प्लैंक किसी दो। तो जी आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आज बात करेंगे स्टार्ट। ओके वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों आज बात करते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की। ना आपने ऐसे एम्प्लॉय के बारे में सुना होगा और ना आपने ऐसे एम्प्लॉयर के बारे में सुना होगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मे भी बहुत सारे लोग इस स्टोरी को जानते होंगे, और जो नहीं जानते वो शायद इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। ये स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ टाटा इंडस्ट्रीज से। वैसे तो इंडिया में कई बड़े बड़े ग्रुप हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो देश का काफ़ी नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन उनमें से इकलौती टाटा इंडस्ट्रीज़ है जो एम्प्लॉय फ्रेंडली है, या कह सकते हैं एक ऐसी कंपनी है जो अपने स्टाफ के बारे में, जो अपने एम्प्लॉय के बारे में सोचती है। बाकी और भी इंडस्ट्रीज़ हैं बट टाटा इन सब से हट के है, उन्हीं से ही जुड़ी हुई मैं आपको ये स्टोरी सुनाता हूँ। आप सबने टाटा सुमो का नाम सुना होगा, तो बहुत लोगों को ये चीज़ लगती होगी कि टाटा सुमो, सुमो जो वर्ड है ये किसी जापनीज टर्म से, जापनीज से रिलेटेड है, या सुमो पहलवान से रिलेटेड है, सुमो रेसलर से रिलेटेड है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाटा सुमो के नाम के पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो शुरू करें तो दोस्तों टाटा के, टाटा इंडस्ट्रीज़ में एक MD थे, मिस्टर सुमंत मुलगांवकर। तो ये काफ़ी पुरानी बात है, जब सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सारे एम्प्लॉयज़ लंच टाइम में, लंच के लिए बाहर जाते थे, तो सुमंत मुलगांवकर क्या करते थे, जो वो एक लिमिटेड टाइम होता था उसमें वो अपनी गाड़ी से कहीं जाते थे, और विद इन टाइमलाइन, विद इन लंच के टाइम में वो वापस भी आ जाते थे। तो ये सिलसिला काफ़ी दिन तक चलता रहा। वहाँ पर लोगों को समझ में नहीं आया कि सुमंत जी जाते गए। अरे कहानी तो सुन लो, तुमको नहीं सुननी उनको तो सुन लेने दो। ओके हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों सुमंत मुलगांवकर जी अपने लंच टाइम में थोड़ा टाइम निकाल करके जाते थे, और विद इन टाइमलाइन लंच टाइम में ही वो वापस भी आ जाते थे। बहुत टाइम तक ये सिलसिला चलता रहा, लोगों को समझ में नहीं आया कि ये जाते कहाँ हैं, और अगर जाते भी हैं तो इतनी जल्दी वापस कैसे आ जाते हैं। सो कुछ लोगों ने उनको ट्रेस किया, कुछ लोग उनके पीछे गए, तो उन्होंने देखा सुमंत जी वहाँ पर किसी ढाबे में जाते थे रेगुलरली, और वहाँ पे जो ट्रक ड्राइवर्स बैठे होते थे, और स्पेशली वो ट्रक ड्राइवर्स वो ऑब्जर्व करते थे कौन सा ट्रक ड्राइवर टाटा का ट्रक चला रहा है, तो उनसे वो बात करते थे, वो सारी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते थे जो ट्रक ड्राइवर से, कि ट्रक में क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, क्या उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, वो और क्या बेटर कर सकते हैं ट्रक की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और ट्रक की सेफ्टी से रिलेटेड, या और क्या इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है उन ट्रक्स में। सो ये सारा डेटा वो कलेक्ट करते थे। तो जब जो लोग उनको देखने गए, जो लोग उनके पीछे गए, उनको ये सारी चीज़ें जब समझ में आई, तो वो इतने इम्प्रेस्ड हो गए उनके डेडिकेशन से, कि जब टाटा ने अपनी एक कार लॉन्च करी तो उसका नाम उन्होंने सुमंत मुलगांवकर से इंस्पायर्ड होकर के रखा, टाटा सुमो। तो सुमो का जो सू है वो सुमंत के सू से लिया गया है, और मुलगांवकर का जो मुंह है इससे टाटा का मुंह लिया गया है, तो टाटा सुमो ऐसे करके नाम पड़ा गाड़ी का। सो ये टाटा सुमो के नाम के पीछे की स्टोरी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। जिन लोगों को ये स्टोरी पता है उनको नॉस्टैल्जिक लगेगा, मे बी शायद उनकी यादें ताज़ा हो जाएं, पर जिनको नहीं पता
उनके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो स्क्रीन पे मौजूद राइट साइड की तरफ जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है ना, उसको कोहनी मारो, घूंसे मारो, मुक्के मारो, कुछ भी करो, बट उसको लाइक करो। मांगा था जूस और मिला है पानी। क्यों पानी? क्या जूस वूस कुछ नहीं, पहले जो बोला वो कराओगे? नहीं नहीं नहीं, सुन रही थी ये बना के कल वो डेली, अभी ये देख रहे हो ये जो ये फैमिली पैक बना है ये सिर्फ लॉकडाउन में खा के ही बना है। और बोला जा रहा आज ये खिलाया कल वो खिलाया जाएगा, ये नहीं खिलाया, खूब अच्छे से खाया है। ऐसे ही नहीं बेटा, सेहतमंद हो गया, आप लोगों को डोले ऐसे ही नहीं बने। आप लोगों को ध्यान होगा मैंने एक वीडियो में आपसे कहा था कि आज जलेबी डे मनेगा, मना है, और मॉर्निंग में कुछ और बनेगा, फिर उसके अगले दिन कुछ और। बाकायदा मुझे चार्ट बना के दिया गया था कि अगले एक हफ्ते में आपको ये बना के खिलाने वाली हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मैंने शॉपिंग नहीं कराई। बंदी ने पूरे हफ्ते का खाना जो है मतलब सब इधर का उधर कर दिया, अपनी मर्जी से तरोई की सब्जी बना के खिलाई, लौकी की सब्जी बना के खिलाई, बैगन की सब्जी बना के खिलाई, और मेरे क्रिस्पी चिली पोटैटो का कहाँ चले गए। इनको आलू नहीं पसंद है, चिली पोटैटो में आलू खा लेंगे, वैसे आलू नहीं पसंद है। तो मुझे जब खुन्नस होती है ना फिर मैं आलू ही आलू खिलाती हूँ। तो दोस्तों आलू के साथ इस चर्चा को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप वीडियो नहीं, थोड़ा नहीं, बड़ा हो गया। सुन लो वीडियो, तारीफ तो सुनो अपनी। वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है, किसी दिन मैं स्पेशली सेपरेट होता है ना व्लॉग वो बनाऊंगी, उसमें इनकी भर भर की तारीफ बताऊंगी, क्या खाते क्या नहीं खाते। वीडियो आई होप थोड़ा बड़ा हो चुका है, वीडियो का एंड मैंने ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वो भी लगा काम काम है आपके काम है आपको काम है आपको टाटा सुमो कहा मैं आपको सुमो की स्टोरी बता रहा था और कहा ये फैमिली स्टोरी शुरू हो गई। तो चलिए वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बाय बाय।